नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बूंदी रियासत का इतिहास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अजमेर का जो मानिक राय था, उसका पुत्र अनुराज हाड़ा को मतलब हाड़ा शाखा का आदि पुरुष माना जाता है। बूंदा मीणा के नाम पर बूंदी का नाम पड़ा, और कुंभा का जो रणकपुर अभिलेख है उसमें बूंदी का नाम वृंदावती मिलता है। उसके बाद बात करें इनके प्रमुख शासकों की, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले हम, तो जैत सिंह हाड़ा, इन्होंने युद्ध के देवता जो भैरव थे उनका स्मारक बनाया, जिसमें हाथियों की मूर्ति लगी हुई है। इसको क्या कहा जाता है? इसको चार झोंपड़ा कहा जाता है। चार झोंपड़ा तो ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, जैत सिंह हाड़ा ने बनवाया। उसके बाद बात करें बर सिंह हाड़ा की, तो बर सिंह हाड़ा ने 1354 में तारागढ़ किले का निर्माण करवाया। तारागढ़ किला जो कि बूंदी में है, अपनी भित्ति चित्रों के लिए एक तारागढ़ है जो अजमेर में भी है। उसके बाद बात करें सुरजन सिंह हाड़ा की, तो सुरजन सिंह हाड़ा ने 1569 में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। जो हमीर हट ग्रंथ के लेखक थे चंद्रशेखर, वो सुरजन सिंह हाड़ा के दरबारी कवि थे। उसके बाद बात करें राव शत्रुसाल हाड़ा की, तो राव शत्रुसाल हाड़ा ने क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, तो इन्होंने सामूगढ़ के युद्ध में 12 सिखों का साथ दिया, और बूंदी में इनके 84 खंभों की छतरी का निर्माण है वो राव अनिरुद्ध के भाई देवा ने करवाया। राव अनिरुद्ध की जो नाथावत रानी थी, उसने बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण भी करवाया। धौलपुर में शत्रुसाल हाड़ा व इनके पुत्र भरत सिंह का चबूतरा बना हुआ है, जिसे राव का चौतरे के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद बात करें जो राव उम्मेद सिंह है, उम्मेद सिंह, इनकी उपाधि को आपको ध्यान रखना है, श्री जी की उपाधि राव उम्मेद सिंह को प्राप्त थी। उसके बाद राव उम्मेद सिंह ने जो बूंदी में चित्रशाला का निर्माण करवाया। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो राजस्थान हिस्ट्री यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए विदाउट कॉस्ट। उसके बाद बात करें राव विष्णु सिंह की, तो इन्होंने जो है अंग्रेज़ों की जो संधि कर ली थी अंग्रेज़ों के साथ, अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछे कि बूंदी के किस शासक ने जो है अंग्रेज़ों से संधि की थी, तो वो की थी विष्णु सिंह ने, अंग्रेज़ों से संधि की थी। अब बात करें इनके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अंतिम रूलर थे जो बूंदी रियासत के, उनका नाम था राम सिंह। राम सिंह ने एक इम्पोर्टेंट सूर्यमल मिश्रण है जो राम सिंह के दरबारी कवि थे, और सूर्यमल मिश्रण के ग्रंथ पूछे तो एक है वीर सतसई और दूसरा है वंश भास्कर। ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।